चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सी प्लेन बनाने का दावा किया है। ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ हवा में उड़ सकता है बल्कि समुद्र में तैर भी सकता है। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने इसका दावा करते हुए बताया, इस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को बनाने में 7 साल लगे और अब वो बनकर तैयार है। चीन इसका इस्तेमाल समुद्र में राहत अभियान चलाने और जंगलों की आग बुझाने में करेगा। इस एयरक्राफ्ट का आकार बोइंग 737 के बराबर है और इसका नाम AG-600 है। AG-600 को सरकारी विमानन कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी एविक ने बनाया है। एविक के डिप्टी जनरल मैनेजर ने बताया कि ये प्लेन चीन की एविएशन इंडस्ट्री की नवीनतम कामयाबी है। 2009 में चीन की सरकार ने AG-600 के विकास और उत्पादन की योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम फ्लाइट रेंज 4500 किलोमीटर की है और ये सिर्फ 20 सेकंड में 12 टन पानी जमा कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट 53.5 टन का भार लेकर उड़ान भर सकता है। गौरतलब है कि चीन सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एंटी सैटेलाइट मिसाइल समेत कई प्रकार के उन्नत और अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान पर लगातार रिसर्च कर रहा है। इनका एशिया के देशों के साथ साथ अमेरिका की नीतियों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित इलाकों को लेकर चीन का रवैया दादागिरी वाला रहा है।